हाँ यहाँ पे आप क्या चेक करने वाले हैं भाई? ये सर स्विचिंग की लाइन चेक कर रहे हैं। स्विचिंग की लाइन, ये कौन सा कॉइल है? ग्राफिक्स के लिए है। हाँ सर ग्राफिक्स। चलिए ठीक है दिखाइए स्विचिंग। हाँ आ रहा है सर। जैसा आप देख सकते हैं डेटा इसकी लाइन आ रही है, स्विचिंग की लाइन आ रही है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए आप? मिला है वो आपको सर? मेरा नाम है ललित प्रजापत और मैं हूँ राजस्थान से सर। जो मेरी 28 नवंबर की बैच में जो पहली क्लास रही सर मेरी, वो आईसी रिबोलिंग की रही। और जो दूसरी क्लास रही सर वो मेरी सीपीयू की क्लास रही, जो मैंने यूनिवर्स एक्सटेंसिव से रिबोल की है। जो तीसरी क्लास रही सर मेरी वो पावर आईसी की रही, जो हमने ऑन सेट से और आईसी निकाल के और वापस लगाई है सर उसमें। तो सर सेट इस प्रकार ऑन किया हमने, जो चौथे दिन की सर हमारी क्लास रही वो हमारी सर सीपीयू की नहीं, और उसमें हमने ऑन सेट से सीपीयू निकाल के वापस लगाया सर। और जो हमने एशिया टेलीकॉम और उनकी टीम सर देव सर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ दिल से, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे ग्राफिक आईसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे सर ये मैंने ग्राफिक आईसी अभी एक्सप्लेन किया सर, इसमें जो हमारी सीपीयू से कमांड आ रही है वो B1 और C2 में सर SCL 1.8 आ रही है। और इसमें सर जो हमारी DC to DC IC से जो ये लाइन आ रही है सर, जो हमारी C1 में आ रही है और ये D1 में स्विचिंग हो रही है सर। यहाँ पे जो A1 की लाइन है, जो सर हमारी EN की लाइन है, जो हमारी CPU से मिल रही है। जो B ये A2 की लाइन है सर, ये जो ये आउटपुट है जो मैं बाद में बताऊंगा। और ये सर A3 की लाइन है, जो A3 की लाइन C3 में मिल रही है, जो सर चार्जिंग पंप का काम कर रही है। और ये जो B1 की लाइन है सर, ये हमारी EN का काम कर रही है, जो हमें CPU से कमांड मिल रही है। और ये जो B2 की लाइन है सर, ये B2 की लाइन भी सर हमें CPU से मिल रही है। और ये जो सर ये B2 की लाइन कौन सी लाइन है सर? CPU से मिल रही है सर। ये क्या नाम है इस लाइन का? सर ये SCL लाइन है। वेरी गुड, ठीक है। जिसमें हमें सर 1.8 मिल रहा है जी। और सर ये जो B3 की जो लाइन है सर, ये ग्राउंड है सर हमारी। और ये सर C1 की जो लाइन है, ये हमें DC to DC IC से मिल रही है सर। और ये जो C1 की सर, और C2 की जो लाइन है सर, सर SDA से, ये हमें CPU से मिल रही है सर। और ये C3 की लाइन है जो मैंने अभी बताया, ये A3 में जा रही है, जो हमारा चार्जिंग पंप का काम कर रही है सर। और ये D1 की लाइन है जो सर, ये हमारे C1 में स्विचिंग का काम कर रही है, जो DC to DC से आ रहा है और C1 से D1 में जा रहा है सर। और ये जो D2 की लाइन है सर, ये D2 की लाइन ग्राउंड है हमारी सर। और ये जो D3 की लाइन है सर हमारा, इसमें ऑयल आ रहा है सर अभी, तो इसका अभी काम बाद में है सर। और ये जो E1 की लाइन है सर हमारी ग्राउंड है। और ये E2 की लाइन है, E2 और B3 सर दोनों ऑयल है। और ये हमारे एक कंपोनेंट कैपेसिटर से ग्राउंड में जा रहा है सर। और ये जो E3 की लाइन है, ये BSP की लाइन है, जो सर हमें डायरेक्ट कनेक्टर पर मिल रही है सर। अब मुझे सर ये बता दीजिए आप कि कौन सा इनपुट है, इनपुट मिलने के बाद कब आउटपुट निकालेगा ये? सर ये इनपुट सर हमें DC to DC IC से मिल रहा है, और कमांड जो है सर हमें CPU से मिल रही है। अच्छा। इन दोनों का, ये इनपुट का आने पर सर जो आउटपुट हो रहा है वो हमारे सर A2 की लाइन से कनेक्टर पे हो रहा है सीधा। अच्छा ठीक है सर। तो सर इनपुट की लाइन का नाम जरा बता दीजिए यहाँ पे। सर ये इनपुट की लाइन का नाम है DC to DC IC से जो हमें मिल रहा है, ये VIR मिल रहा है सर हमें, जो ये C1 पे आ रहा है। VIN है? हाँ VIN सर। ठीक है। और जो हमारा आउटपुट की लाइन है, आउटपुट का क्या नाम है सर? सर ये आउटपुट की लाइन है, ये जो सर हमें VSN से मिल रहा है सर, जो VSN से मिल रहा है 5 वोल्ट है सर। VSN पे -5 वोल्ट। हाँ माइनस। और BSP पे सर कितना बनेगा? BSP पे +5 वोल्टेज सर। ठीक है। और सर हमको एक बात बताइए, जो आपने कैपेसिटर लगाया है C3 पे A3 पे, इसका क्या काम होता है सर? ये चार्जिंग पंप का जो कैपेसिटर है सर, ये हमें जिस प्रकार चार्जिंग आईसी में, ये ग्राफिक आईसी में अगर जो चार्जिंग पावर का कम या ज्यादा का हो ना, तो सर ये हमें जो सहायता कर देता है सर यहाँ। अच्छा, मतलब अगर वोल्टेज कम पड़ता है तो उसको क्या कर देता है? अपनी तरफ से वोल्टेज दे देता है सर, एक तरीके से चार्जिंग कर देता है उस चीज को। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने समझाया। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भाई इनके लिए। तो सर ये सारी चीजें आप एक चालू फोन पे आईसी पे आपने देखा है प्रैक्टिकली? सर ये मैंने चालू फोन से सर ग्राफिक आईसी निकाली है, और उसमें सर जो मैंने अपने मीटर की सहायता से ये ग्राफिक आईसी को यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है। और ये सर सब मैंने एशिया टेलीकॉम और यहाँ के जो मेरे
गुरु है सर, देव सर और उनकी टीम सर उनकी वजह से हुआ है सर। मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं ये एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे ये सीपीयू रिबॉलिंग और आईसी रिबॉलिंग का जो है काम सीख पा रहा हूँ सर। सर आप मुझे ये सारे वोल्टेज जो है इनपुट के और आउटपुट के वोल्टेज आप चेक करवा सकते हैं? हाँ सर चेक। फोन अगर मैं आपको चालू फोन दे दूं आपको तो उसमें से आप बता सकते हो कि यहाँ यहाँ पे 5 वोल्टेज आना है, यहाँ पे 4 वोल्टेज आना है, सारी चीजें चेक करवा सकते हो। और आप डीएसओ से आप स्विचिंग की लाइन भी चेक करवा सकते हो? सर डीएसओ से हम स्विचिंग की लाइन चेक करवा सकते हैं जो सर C1 और D1 में स्विचिंग का काम कर रही है सर जी। ये हमें DC2 DC IC से मिल रही है सर। सर ये एक बात बताइए हमको, ये बस एक IC का डाटा है या फिर कितने IC का डाटा है? सर ये लाइट IC का भी इसी में, नहीं नहीं ग्राफिक्स आईसी का है, वहाँ पे आप जो वहाँ पे नाम लिखा है आपने ग्राफिक आईसी का है सर, जो 15 वोल्ट की, जैसे कि आपकी TI है, NTI है, LUB है, LUB और SMIC है, जो चार प्रकार की जो ग्राफिक्स आईसी है आपका सेम स्ट्रक्चर उसका भी है? हाँ सर सेम स्ट्रक्चर है सर। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक फोन देता हूँ और आप उस फोन में आप सारे क्लास को बताइए कि कौन कौन सी जगह पे कितने कितने वोल्टेज आएंगे, ठीक है? तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग और रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर सीपीयू, डबल टेकर सर रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? सर आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने, आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताओ? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने। मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट